10 जुलाई को पश्चिम बंगाल के 4 विधानसभा केंद्रों में होंगे उपचुनाव। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 4 सीटों में बीजेपी को 3 और तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। लोकसभा चुनाव में 3 विधायकों के सांसद बनने पर ये सीटें खाली हुई थी और 1 के निधन होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। दस जुलाई को पश्चिम बंगाल के 4 विधानसभा केंद्रों में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। ये विधानसभा केंद्र है मानिकतला, बागदा, रायगंज एवं रानाघाट दक्षिण विधानसभा केंद्र। इन 4 केंद्रों में वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 और तृणमूल कांग्रेस को 1 सीटें मिली थी। वर्ष 2021 में बीजेपी विधायक बने कृष्ण कल्याणी, मुकुटमणि अधिकारी और विश्वजीत दास एवं तृणमूल कांग्रेस के साधन पांडे। इन 3 बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी, मुकुटमणि अधिकारी और विश्वजीत दास ने बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। इन केंद्रों में उपचुनाव की स्थिति क्यों हुई, इस पर भी एक नजर डालते हैं। रायगंज से बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी, रानाघाट दक्षिण विधानसभा केंद्र के बीजेपी विधायक मुकुटमणि अधिकारी और बागदा विधानसभा केंद्र के बीजेपी विधायक विश्वजीत दास बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इन 3 विधायकों को तृणमूल कांग्रेस ने रायगंज, रानाघाट और बनगांव लोकसभा केंद्र का प्रत्याशी बनाया था, किंतु तीनों ही चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में खड़े होने से पूर्व तीनों ने ही विधायक पद से इस्तीफा दिया था और तीनों ही लोकसभा चुनाव भी हार गए, जिस कारण ये 3 विधानसभा केंद्र खाली हुए। तृणमूल कांग्रेस ने कृष्ण कल्याणी और मुकुटमणि अधिकारी को दोबारा विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है, जबकि विश्वजीत दास ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मानिकतला विधानसभा केंद्र में भी उपचुनाव कराए जा रहे हैं, क्योंकि इस केंद्र से तृणमूल कांग्रेस विधायक साधन पांडे की मौत के बाद ये विधानसभा केंद्र रिक्त हुआ था। इस केंद्र में तृणमूल कांग्रेस ने साधन पांडे की पत्नी सुप्ति पांडे को उम्मीदवार बनाया है। सुप्ति पांडे के विरोध में बीजेपी ने कल्याण चौबे को उम्मीदवार बनाया। बागदा विधानसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस ने सांसद ममता बाला ठाकुर की बेटी मधुपर्णा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। इस केंद्र से बीजेपी ने विनय कुमार विश्वास को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि रायगंज से बीजेपी ने मानस कुमार घोष और रानाघाट दक्षिण विधानसभा केंद्र से मनोज कुमार विश्वास को उम्मीदवार बनाया है। तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम सभी ने उपचुनाव में अपनी ताकत झोंक रखी है। सोमवार चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। अब देखना यह है कि 13 जुलाई को चुनाव नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। क्या बीजेपी अपनी 3 सीटें पुनः वापस ले पाएगी, या फिर लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस की जय जयकार होगी। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के 6 राज्यों के 9 विधानसभा केंद्रों में भी 10 जुलाई को उपचुनाव कराए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। किछु परंपरा आर शेखा মায়ের থেকে চলে আসে মেয়ের কাছে, ঠিক যেরকম হনুমানদা চাকি ফ্রেশ আটা, ঠিক যেন মায়ের ভালোবাসা, যেমন শুদ্ধতা তেমন স্বাদ।